और जवान पिस्तौल की नोक पर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। दोनों अज्ञात युवक दुकानदार से विदेशी करेंसी और भारतीय करेंसी समेत 3,56,000 लूटकर रफू चक्कर हो गए। हालांकि ये सारा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोनों लूटमारों के चेहरे पूरी तरह कपड़े से ढके थे, जिससे उनकी पहचान नहीं हो पाई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस सारे मामले की बारीकी से जाँच कर रही है। पुलिस का कहना है कि दुकान मालिक के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी जा रही है और दोषी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और एक को चाकू है घासी का और एक को पिस्टल है किसी की। और उन्होंने आने पहला जमें अंदर हो एंटर उन्होंने फिर किया कि अभी करेंसी चेंज करवानी है। फिर उन्होंने अपनी मूवमेंट देख ने पिस्टल कटा और दूजे ने चाकू कट लिता और बैक साइड देख ने मैंने होल्ड कर छिया और दूजे बंदे ने चाबी वगैरह निकाल के तो जोड़ा कैश और जो करेंसी वगैरह से हैगी लिया लिता। सर कैश कोई 233 समथिंग है घासी का और जी करंसी हैगी 180 समथिंग हो गया किसी टोटल अमाउंट पर मैं मैनशन करवा दी हुई है पुलिस ने और उन्होंने रिकॉर्ड वगैरह दे दिता है जो भी साढ़े को प्रिंट आउट है इंडियन करंसी के और फॉरन करंसी के। 6 बजे शाम को पाल मर्चेंट एक मनी एक्सचेंजर है उसके अंदर कुछ उसके दसन मुताबक 2 नौजवान आए हैं मूँह बंद बने से उन्होंने और उन्होंने अपना कुछ वैपन से उन्होंने को चाकू दस दे रहे एक उन्होंने को पिस्टल दस दे और वो इन्हों को करीब 3.5 लाख रुपया अंदरों खो के ला गया। असी मौके पर पहुंचे हैं, मैं पहुंचा SHO सिटी पहुंचा मुझे इंक्वायरी कर रहे हैं केस रजिस्टर कर रहे हैं और जो भी CCTV कैमरे दुकान के अंदर है उन्होंने चेक कर रहे हैं और जो आले दुआले के नाके है और जो CCTV कैमरे पाते हैं उन्होंने देख के कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी तो जल्दी।